अच्छा अच्छा क्या कहोगे? साफ सफाई से सब चीज से व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पुलिस वाले ने पूरा साथ दिया है हमारा। अच्छा, और जो मेरठ में मुजफ्फरनगर में किसी ने भी हमारी तरफ आंख उठा कभी नहीं देखा। अच्छा। बहुत बढ़िया एकदम सफर मिला हमें, बहुत अच्छा। हमें योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए इस वजह से। अच्छा, हाँ जी, मुजफ्फरनगर में भी कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। पर बहुत अच्छा रहा, सुकून रहा, शांति भरा रहा। और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग 24 घंटे रहा है। पुलिस प्रशासन दिन में नहीं रात में भी मुस्तैदी से कांवरियों की हर तरह से संभावता सहयोग करता रहा है, सहयोग करता रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। लगातार बाबा भोलेनाथ के भक्त कांवड़ लेकर अब आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कहीं बाबा भोलेनाथ के भक्त हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं जो भक्त हैं वो गौमुख से सीधे कांवड़ लेकर आ रहे हैं। मेरे साथ जो आप लोग देख रहे हैं ये गौमुख से कांवड़ लेकर आए हैं। बाबा जी राम राम। राम राम जी। ठीक हो? जय भोलेगी। जय भोलेगी। जय भोलेगी। ठीक हो? हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, कब गए थे आप और कहाँ से कांवड़ ने आपने जल उठाया? हम 2 तारीख को गए जी, और 3 तारीख को हमने जल उठाया गौमुख से जी। गौमुख से? जी जी। यानी 2 को आप गए थे, 3 को आपने जल उठाया? 3 तारीख को जल उठाया जी। अच्छा, हाँ जी। क्या कहेंगे, थकावट तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं जी, ये तो भोले बाबा के प्रसाद है जो रास्ते में होता है जी, थोड़ा बहुत। अच्छा, बिल्कुल भी कोई तो थकावट। कितनी कांवड़ लिया है, क्या पहली बार गए या लगातार आप कांवड़ लेकर आते हैं बाबा के? लगातार लेके आते हैं जी, काफी टाइम हो गया हमें। काफी टाइम हो गया जी जी। आप मानते हो कि भोले की शक्ति है, पैरों में भी दी है और शरीर में भी दी है? बिल्कुल, भोले बाबा की कृपा से ही हम चल रहे हैं, नहीं हमारी शक्ति नहीं है कि हमें 1 किलोमीटर भी चल सकें, भोले बाबा ही लाते हैं वहाँ से हमें। तो हर बार क्या आप गौमुख से कांवड़ लेकर जल उठा के लेके आते हैं या फिर हरिद्वार से भी लेकर आते नहीं, हैं? हर बार वहीं से लेके आते हैं जी, हम गौमुख गंगोत्री से ही जल उठाते हैं। गौमुख गंगोत्री से ही? जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे, अगर मैं बात करूँ रास्ते का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा जी, बहुत ही बढ़िया, प्रशासन का भी बहुत बढ़िया वो रहा जी, हमें बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम दिल्ली में मदनपुर खादर सरिता विहार से बिलोंग करते हैं। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले जी, हैं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप उत्तराखंड गए, उत्तराखंड के बाद आपने उत्तर प्रदेश में एंट्री करी, उत्तर प्रदेश में कैसा देखने को मिला? क्योंकि योगी की सरकार है, दूसरी बार योगी की सरकार है, और ये गाना भी बना था कि कांवड़ियों पर योगी ने फूल बरसवा दिए, कांवड़ियों के लिए योगी ने व्यवस्थाएं बढ़िया करवा दी। क्या लगा, वो सिर्फ गाने हैं या व्यवस्था हुई भी है? नहीं, हकीकत है जी, बहुत ही अच्छा है, योगी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है कांवड़ियों के लिए, प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छा व्यवहार है, पुलिस व्यवस्था, रोड व्यवस्था, हर चीज़ की बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। साफ सफाई? अच्छा अच्छा क्या कहोगे? साफ सफाई से सब चीज़ से व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पुलिस वाले ने पूरा साथ दिया है हमारा। अच्छा, और जो मेरठ में मुजफ्फरनगर में किसी ने भी हमारी तरफ आंख उठा कभी नहीं देखा, बहुत बढ़िया एकदम सफर मिला हमें, बहुत अच्छा। हमें योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए इस वजह से। अच्छा, हाँ जी, मुजफ्फरनगर में भी कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्रशासन एकदम डटा ओढ़ है। अच्छा, हाँ जी, भोले इनकी सेवा में लगा ओढ़ है। वो एक गाना भी बनाता है, डीजे बजवा दिए योगी ने, और योगी ने बजवाए हैं डीजे भी। अच्छा, और किसी की ताकत नहीं जो योगी के अलावा और कोई डीजे बजवा दे। पहले तो यूं कहते कांवड़ इस रास्ते से मत लेकर जाओ, कांवड़ियों का रास्ता बदल दो। नहीं 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 नहीं, गलत है, सब बढ़िया एकदम मौज की है, अब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो पहली सरकार में और योगी की सरकार में कुछ फर्क आया क्या आप लोगों का? आप तो लगातार कांवड़ लेके हमें, हम जो 1998 से लेकर आ रहे हैं कांवड़, ठीक है जी, हमने जो सरकार देखी है पहले वो तो सब ऐसी हैं, बोलती हैं करती हैं, योगी की सरकार ने जो बोला है वो करके दिखाया है, और हम तो योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री का तो बहुत बढ़िया करा, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, भाई साहब क्या कहेंगे, कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत बेहतरीन, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? बहुत अच्छा सहयोग रहा। मुख्यमंत्री योगी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके राज्य में से आप लगातार गुजरे, जो लंबा सफ़र आपका रहा है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के राज्य उत्तर प्रदेश में ही रहा है आपका? बिल्कुल, काफ़ी अच्छा रहा है, उनका सहयोग था, बल्कि पूरे प्रशासन ने काफ़ी सहयोग किया है जी। भाई साहब आप बताइए कैसा रहा सफ़र? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, योगी जैसा है ना मुख्यमंत्री, दोबारा भी आना चाहिए। दोबारा भी आना चाहिए? हाँ, दोबारा भी योगी जैसा, दोबारा है। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, ऐसा क्या है योगी जी के अंदर का दोबारा भी आना चाहिए? जी दोबारा भी आना चाहिए जी।
हम तो कहते हैं पूरी पूरी सपोर्ट है जी हमारी तरफ से, दोबारा भी आना चाहिए जी। पूरी सपोर्ट है? हाँ जी पूरी सपोर्ट है जी। अच्छा जी। हाँ भोले की तरफ से पूरी पूरी सपोर्ट है जी। की तरफ से पूरी सपोर्ट। हाँ पूरी सपोर्ट है जी। कहीं ऐसा तो ना दिक्कत नजर आई उत्तर प्रदेश में, सड़क खराब, प्रशासन बेकार, मुजफ्फरनगर में निकलने में डर लग रहा हो? नहीं जी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ ऐसा नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। मुजफ्फरनगर में डर लग रहा हो निकलने? नहीं नहीं सीना छोड़ कर निकले हम। हमारा इतना योगी बाबा बैठा है, इतना जिंदाबाद है। हाँ वो हिंदू को, हिंदू हिंदू को जो है जितने भी हिंदू हैं, हिंदू उनको सबको सपोर्ट करता है योगी, योगी बाबा। अच्छा। हाँ जी अधिकारियों को कह दिया फूल बरसाओ हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पे? हाँ बरसाए। मॉमडन की किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी तरफ आग उठा कर देख ले। अच्छा। नहीं सही रहा है, एकदम बढ़िया बढ़िया सफर भैया। क्या क्या कहेंगे, कैसा रहा सफर? कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा, सुकून रहा, शांति भरा रहा, और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग 24 घंटे रहा है। पुलिस प्रशासन दिन में नहीं रात में भी मुस्तैदी से कावरियों की हर तरह से संभावता सहयोग करता रहा है, सहयोग करता रहा है। तो देख सकते हैं आप ये गौमुख से आए हैं, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं बोले हमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया रहा सफर? बिल्कुल बढ़िया रहा। बोले मैं आपको कहूँगा आप निकल सकते हैं तो जा सकते हैं। आप लोग बताइए कैसा रहा सफर पीछे का? बहुत बढ़िया रहा बोले, बहुत बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। 40 लीटर जल ला रहे हैं बाबा की महिमा है, बस पार लगा दिए हैं, अब खोड़ा ही जाना है हमें। खोड़ा जाना है? हाँ जी। बाबा की महिमा पार लगा दी है? हाँ जी हाँ जी। चलिए सब कुछ बढ़िया रहा। कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया रहा, हम तो चार धाम स्कूटी से यात्रा कर रहे हैं और पूरे रास्ते में बहुत अच्छा सुविधा, सब कुछ सुविधा, सारी सुविधा एकदम ऑलरेडी मिलती रही है। और पुलिस प्रशासन की भी बहुत अच्छी कहते सुविधा मिलती रही, रात भर 24 घंटे हमारे साथ ही रहे, जैसे कि निकालना, ट्रैफिक रोकना, कांवरियों को आगे निकालना, वो सारा सब साथ दिया उन्होंने। मुख्यमंत्री योगी के बारे में क्या कहेंगे, उनके राज्य में आप आए हैं? बहुत अच्छा, हम तो चाहते हैं कि दोबारा यही आए, दोबारा यही आओ। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी आओ दोबारा। अच्छा, हर साल यही आओ, जिंदगी भर यही बना रहे मोदी योगी। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, हर साल योगी को लाएंगे। साल क्या, जय जय योगी, शंकर भगवान की जय। सकते हैं ये परिवार है जो हरिद्वार से चलकर कावड़ लेकर आ रहे हैं। कौन हैं ये लोग, आपके परिवार के हैं? परिवार के हमारे जीजा और बहन हैं। अच्छा जीजा और बहन हैं? हाँ। तो जीजा और बहन को कावड़ ले गए, बच्चे को क्यों ले गए? बच्चे बोल दिया था कि बालक हो जाए हमारे भोलेनाथ की कृपा से, तो बच्चे साथ लेके आएंगे कावड़। अच्छा। साथ में बच्चे भी आएंगे और बहन भी आएगी, जीजा भी आएंगे। अच्छा साथ में भांजी भी, बहन भी और जीजा भी, जीजा भी आएंगे। हाँ दोनों। तो कब से, कब ये दूसरी बार लाए हो कि पहली बार लाए हो? ये दूसरी कावड़ है। दूसरी कावड़ है? दूसरी है। तो मनोकामना कब मांगी थी? मनोकामना मांगी थी ये दूसरी, तीसरी साल के बाद में। अच्छा उससे पहले आप कावड़ लेकर आते थे? हाँ रात के काल। आप क्या कहेंगे, मनोकामना पूरी हो गई तो बाबा की कावड़ लेकर आ रहे हो? है? मनोकामना पूरी हो गई है? हाँ, पूरी कामना हो गई। क्या क्या कहेंगी, मनोकामना पूरी हो गई? हो गई, भोलेनाथ बस हो गया। चलिए देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या कहेंगे, बाबा की शक्ति है, सब प्रभु बाबा की शक्ति है, बाबा की महिमा, उसके परम, उसके बिना तो पत्ता मिल सकता है, सब उसके उसकी महिमा से, परम पर से चल रहे हैं, उनकी शक्ति से आज चल रहे हैं, उनकी भक्ति से पार नैया पार कर रहे हैं, नैया पार कर रहे हैं। बेटी हुई, बेटी हुई, बेटी है, बेटा भी है, बेटी बेटा दोनों है, दोनों।